दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स ज़ीरो बुक सीरीज़ का लैपटॉप। इसका रिव्यू मैंने कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ये जो लैपटॉप है इसमें जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस है उसे, मतलब कि एडिशनल स्टोरेज स्पेस ऐड कर सकते हैं। वैसे जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो प्रोसेस है आप दूसरे लैपटॉप्स के साथ में भी कर सकते हैं। तो ये जो इन्फिनिक्स ज़ीरो बुक सीरीज़ का लैपटॉप है, मेरे पास ये इंटेल कोर i5 लैपटॉप है, इसे मैं खोलने वाला हूँ। इसके पहले कि ये जो लैपटॉप है इसे मैं खोलूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका जो लैपटॉप है ये वारंटी पीरियड में है तो इसे मत खोलिए। बेहतर होगा कि आप जो सर्विस सेंटर है वहां पर जाके इसे अपडेट कीजिए, खुद अपनी तरफ से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोई इशू आएगा तो हो सकता है कि जो ब्रांड है वो आपका जो वारंटी है उसे कंसिडर ना करें, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर आपका जो लैपटॉप है उसका वारंटी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो आप ये जो प्रोसेस है ये ट्राई कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये तब आप कीजिए जब आपको लगता है कि जो लैपटॉप का स्टोरेज स्पेस है ये काफ़ी कम पड़ रहा है आपके यूसेज के लिए। अब हर एक लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है, तो खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें जो स्टोरेज स्पेस है वो किस टाइप का है और कैसा है। तो चलिए इसे मैं खोलता हूँ। तो ये देखिए जो स्क्रूज़ है इसे आपको निकालना है। ये जो स्क्रू है ये काफ़ी छोटा है, इसे निकालने के लिए और स्क्रू को टाइट करने के लिए आपको इस प्रकार का बिट लगेगा। काफ़ी छोटा स्क्रू है एक्चुअली, यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। तो ये जो स्क्रू है इसे मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पर 7, तो 7 स्क्रूज़ हैं, आपको 7 स्क्रूज़ को निकालना है। मैंने कुछ स्क्रूज़ निकाल दिया है। तो इसका जो स्क्रू है ये निकालने के बाद आप ये जो एरिया है यहाँ से थोड़ा सा पुल कर सकते हैं ताकि ये जो भाग है ये निकल जाए और धीरे धीरे इस प्रकार से आप इसे बाहर निकाल दीजिए। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जो सर्किट है ये कनेक्टेड है इस एरिया के साथ में, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ये है 512 GB का NVMe M.2 स्टोरेज जो कि ये जो लैपटॉप है इसके साथ में बिल्ट इन आया था। वैसे अगर आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं लेकिन ये रहने दीजिए क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकेस अगर आप इसे रिप्लेस करते हैं तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिलहाल इसे रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और स्लॉट दिया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और NVMe M.2 स्टोरेज को ऐड कर सकता हूँ। इस प्रकार के जो SSDs होते हैं ये आमतौर पर इंटरनली यूज़ किया जाता है, और एक और तरीका है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस पर देखें, ये थोड़ा सा उल्टा है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है FOSSI और यहाँ पर ये मॉडल लिखा हुआ है XP2100F512GB। और अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये जो SSD है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। अगर आप टाइप देखें तो ये M.2 2280 है। ये देखिए ये सैमसंग का SSD है, EVO+। वैसे ये हाई क्वालिटी का SSD है, इससे सस्ता भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है और आप इसे ख़रीद सकते हैं। मेरे पास ये SSD है 500 GB का, लेकिन मैं इसे इसमें इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। ये एक्चुअली बहुत ही हाई क्वालिटी का SSD है। मैं ये जो SSD है इसे खास करके ये जो इनक्लोजर आप देख रहे हैं इसमें यूज़ करता हूँ। इसमें Type-C पोर्ट है और केबल कनेक्ट करके मैं ये जो इनक्लोजर है इसे PC हो या फिर लैपटॉप हो उसके साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ। इसे मैं एज अ पोर्टेबल ड्राइव की तरह यूज़ कर सकता हूँ इस इनक्लोजर का उपयोग करके। लेकिन इनकेस अगर आपको ये जो SSD है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो ये देखिए इसका जो तीत है यहाँ पे जैसा दिया हुआ है उसके साथ में मैच करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से अंदर जाने वाला है, और उसके पहले यहाँ पर ये देखिए ये स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को आपको निकालना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो SSD है यहाँ पर ये स्क्रू निकालने के बाद ये SSD को लगाया गया है, उसके बाद में ये जो स्क्रू है आपको यहाँ पर ऊपर लगाना है। तो ये जो प्रोसेस है हर एक SSD के साथ में ऐसा ही होता है, इंटरनल SSD NVMe M.2। एक और रीज़न ये है कि मैं ये जो SSD है इसे इंस्टॉल इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये जो SSD है इसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ मेरा MacBook के साथ में, और जो फाइल सिस्टम है इसमें वो है Apple का सिस्टम, तो इसे लगाने के बाद भी ये काम नहीं करने वाला है, मुझे इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। और वैसे भी इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है तो मैं वो जो प्रोसेस है स्किप करने वाला हूँ, मतलब कि यहाँ पर कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ क्योंकि जो सिस्टम है सेम है, यहाँ पर भी सेम है। जो SSD इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो इस प्रकार का होना चाहिए। ये देखिए ये जो तीत है इसे आपको इसमें इस प्रकार से लेके जाना है, और ये जो भाग है यहाँ पर ये जो स्क्रू है इसके बीच में ये जो SSD है इसे आपको फिक्स करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्किट है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसे सही तरीके से अटैच करना है। ये एज वेल एज जो स्क्रू है इसे सही तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से जाने वाला है। ये जो प्रोसेस है इसे सही तरीके से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरह से सर्किट है और आप नहीं चाहेंगे कि जो सर्किट है वो कहीं पर टच हो। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और ये जो इन्क्लोजर है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि एक तरह से स्टिकी टाइप का है, लेकिन
रेसिड्यू छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप इसे टच करेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि बहुत ही स्टिकी टाइप का है। ये बेसिकली ये जो चिपसेट है इसे ठंडा रखने के लिए है। और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही सेम मटेरियल यूज़ किया गया है। तो इनकेस अगर आप कोई SSD यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो मे बी अगर आप इस प्रकार के मटेरियल यूज़ कर पाएँ तो बेहतर होगा, ताकि ये जो एरिया है ये ठंडा रहे। आप ये जो चीज़ है इसे यहाँ पर लगा सकते हैं, उसके लिए स्पेस दिया हुआ है। तो ये जो इनक्लोजर है इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, और अगर मुझे ये यूज़ करना है तो उसके लिए ये केबल दिया हुआ है Type-C to Type-C। ये देखिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो भाग है मैं इसे किसी भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकता हूँ, और इसे एज अ पोर्टेबल ड्राइव की तरह यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बटन सेल बैटरी है, इनकेस अगर जो टाइम प्रॉब्लम आता है कभी कभार, तो यहाँ से आप जो बैटरी है इसे रिप्लेस कर सकते हैं। यूजुअली इसका जो इशू है ये काफ़ी सालों के बाद आता है। इसे मैं फिर से क्लोज़ करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सर्किट है इसे आपको टच नहीं करना है, और ये मैं बंद करता हूँ। इसे आपको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये लॉक हो जाए। तो जब आप इसे क्लोज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये सही तरीके से लॉक हो जाए। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये लीजिए, अब ये सही तरीके से फिट हो गया है। उसके बाद में स्क्रूज़ लगाना है, तो स्क्रूज़ लगा लेते हैं। उसी प्रकार से जितने भी स्क्रूज़ है उसे मैं लगा देता हूँ। तो मैंने अब जो स्क्रूज़ है इसे लगा दिया है, और अब जो लैपटॉप है इसे ऑन करते हैं। वैसे मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है, तो ऐसा कुछ इशू आने तो वाला नहीं है। लैपटॉप फर्स्ट क्लास चल रहा है। इस लैपटॉप में 512 GB SSD है। जो SSD है इसे कनेक्ट कर दिया है, और ये जो इनक्लोजर है इसमें RGB लाइटिंग इफ़ेक्ट्स है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डिटेक्ट तो हो गया है लेकिन चल नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें जो फाइल सिस्टम है ये एप्पल का है, इसलिए विंडोज़ पर ये डिटेक्ट नहीं होने वाला है। मुझे इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स है मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। इस प्रकार से आप जो लैपटॉप है इसका जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा करके जो लैपटॉप्स आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादा करके NVMe M.2 SSDs के साथ में आते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।